Awaiting visual confirmation. ये मनाजिर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये किसी हॉलीवुड फिल्म के नहीं बल्कि खला में किए गए एक तजुर्बे के हैं। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने 26 सितंबर को एक कामयाब तजुर्बा किया। इस तजुर्बे में नासा की तरफ से भेजे गए खलाई जहाज को एक सयारचे से टकरा कर तबाह कर दिया गया। लेकिन इस तजुर्बे का मकसद क्या है और ये जानना हमारे लिए कितना अहम है? नासा जानना चाहता है कि एक बड़े खलाई पत्थर को जमीन से टकराने से रोकना कितना मुश्किल हो सकता है। खला में मौजूद पत्थर से खलाई जहाज टकराने का ये तजुर्बा जमीन से तकरीबन 1,10,00,000 किलोमीटर दूर किया गया। जिस सयारचे को खलाई जहाज ने हदफ बनाया इसको डायमॉर्फस का नाम दिया गया है, जबकि इस मिशन को डॉट मिशन कहा जाता है। नासा के मुताबिक ये सयारचा 160 मीटर चौड़ा है और डार्ट स्पेसक्राफ्ट 23,500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सयारचे से टकराया। इस मिशन का मकसद जमीन की जानिब बढ़ने वाले सयारचों की रोकथाम के लिए एक अहम दिफाई हथियार साबित करना है। साइंसदानों के मुताबिक सयारचे को जमीन की जानिब बढ़ने के रुख को मामूली सा तब्दील करने के लिए इसकी रफ्तार को कम करना इंतहाई जरूरी है ताकि जमीन इनका हदफ ना बन सके। साइंसदान पहले ही ऐसे कई सयारचों की शनाख्त कर चुके हैं जो जमीन को तबाह कर सकते हैं, मगर फिलहाल इनमें से कोई भी हमारे सयारे के लिए खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी इन्हें डर है कि हजारों छोटे सयारचों में कोई एक किसी दिन जमीन की जानिब बढ़ सकता है और इसका टकराव तबाहकुन साबित हो सकता है, जिसकी रोकथाम करना जरूरी है।